अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिंग। इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दिया सकते। मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप इस केस से रिक्यूज कर दीजिए। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। यू कम इन दिस यूनिफॉर्म इन व्हाट कैपेसिटी? यू आर अक्यूज्ड, यू नो द लॉ, यू आर फेसिंग क्रिमिनल केस। व्हेन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट कलेक्टर ऑफिस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है। कोर्ट के पास ये चार दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी। मैं चाहता हूँ कि सर रिस्पोंडेंट बताएं कि किसी को अगर आरोपी बनाना है और जिस किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, इफ द पर्सन इज टू बी प्रोसिक्यूटेड बिफोर द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड? कौन से ऐसे दस्तावेज चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए? क्या वो दस्तावेज इस हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में उपलब्ध हैं? वो एक 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 करके एक एक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि हमने समय बहुत बर्बाद कर दिया इसमें सर। इसमें एक एक दस्तावेज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपके टेबल में वो दस्तावेज उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं टेबल में? इन्होंने 450 पेजेस जमा किए थे सर, तो उसकी एक एक पेजेस में से ये बताएंगे कि किस दस्तावेज में वो एक इंसान को आरोपी बनाना चाहते हैं और कानून के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं सर। तो एक एक करके डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे सर। पहले हम चर्चा करेंगे कॉपी ऑफ FIR सर। तो रिस्पोंडेंट्स बताएं कि कौन से पेज नंबर में कॉपी ऑफ FIR है सर। सर एक रिटर्न सबमिशन भी जमा किया है इसी चर्चा पर, डॉक्यूमेंट नंबर 8842 ऑफ 2023 सर। आर्टिकल 21, किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देर इज ए एस्टेब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ कि ये चीजें, ये दस्तावेज होना न्यायालय के सामने जरूरी है। सर पहले FIR के लिए बात में चर्चा करेंगे। ऑर्डर देखा 14/7 को जो फाइल हुआ, 14/7 को सर आपने आदेश पास किया था दस्तावेज देने। आपकी पिटीशन इस बात के लिए एंटरटेन की गई है दस्तावेज के लिए सर। पिटीशन सर मेरा कहना है कि कानून के पास अगर कोर्ट के पास ये चार दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। तो इसके लिए मैंने चार दस्तावेज को इंट्रीम में डाला था और मेन प्रेयर मैंने क्वेश्चन डाला था, उसके लिए मैंने IS अलग से फाइल किए, रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर। वो IA नंबर है सर 55558 सर। तो हम पहले सर IA नंबर 5532 में जाएंगे, एक एक करके डिसाइड कर। सर पहले IA नंबर 5532 ले लेते हैं सर, परजूरी का है? पहले हम परजूरी का एप्लीकेशन ले लेते हैं IA नंबर 5532, जो उन्होंने 450 पेजेस जमा किए हैं, उसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉपी ऑफ FIR। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी IA पर बहस करना चाहते हैं? मैं सर IA नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 ये परजूरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना, इसके खिलाफ लगाया है आपने सर। ये है आप पेज नंबर इसके पांच में पेज नंबर। भाई किसने परजरी का कमिट किया है? सर श्री मुकेश परवाल लर्न्ड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं,
तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं हम एक एक दस्तावेज में आएंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर, कि ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए। जवाब देना है कि आपको सर, इसका जवाब मैंने दे दिया है, दोनों एप्लीकेशन का जवाब दे दिया है। कब दिया? 17 अगस्त 2023 को। सर 17 अगस्त को इन्होंने जो जमा किए इसमें एक आदेश है सर, जिस 17 अगस्त पेज नंबर 8 में इन्होंने सर एक आदेश जबलपुर का डाला है सर। एक मिनट, 17 अगस्त ये पेज नंबर 8 में सर जबलपुर का एक, सर मैं कंप्लीट कर लूं, हाँ इसमें आपके द्वारा इस कोरम में आप भी थे सर, पेज नंबर 11 में लिखा गया है सर, ये WP नंबर 10301/2019 ये एडिशनल सेशन जज अरविंद रविंद्र सिंह पटेल इन जजों के ऊपर और ये केस पिटिशन फाइल की गई थी सर जबलपुर में। तो पेज नंबर 11 में जिस कोरम में आप भी थे सर, इसमें पेज नंबर 11 में लिखा है, इन सच सर्कमस्टेंसेज द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड, द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, इन केस ही फील्स दैट सम एविडेंस व्हिच इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट हिम और इज पार्ट ऑफ द चार्ज शीट हैज नॉट बीन सप्लाइड टू हिम। हाँ सर, क्या पढ़ना है आप? सर जबलपुर का आदेश है पेज नंबर 11 में सर, जो इन्होंने एफिडेविट सप्लाई की है सर, 17 अगस्त को जो एफिडेविट जमा की है उन्होंने, पेज नंबर 11 सर, WP नंबर 10301/2019। 17 अगस्त के दो जमा सर। हाँ सर, दो आईए हैं इनकी, दो आईए हैं सर, दोनों आईए में उन्होंने जमा किए सर, जिसमें पेज नंबर सर 5532 में ही इन्होंने जमा किए, जिसमें हम चर्चा करें जिसका जवाब दिया है, उसमें पेज नंबर 11 में सर आप इसमें आदेश था जबलपुर हाईकोर्ट का, जिसमें आप कोरम में थे सर जस्टिस आर एस झा के साथ, इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटीशन इज डिसमिस्ड, द पिटीशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब बाय लॉ, इन केस ही फील्स दैट सम एविडेंस व्हिच इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट हिम और इज पार्ट ऑफ द चार्ज शीट हैज नॉट बीन सप्लाइड टू हिम और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर ग्रीवेंस एज वेल एज फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। सर इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूँ सर, कई बार लगा चुका मैं, 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूँ 2018 से मांग रहा हूँ सर, मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में भी आया तो उसके बाद से मांग रहा हूँ, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये आर दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर, तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे, पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे, ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर। ये कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन अक्यूज। नहीं बना सकते सर, नहीं सर नहीं बना सकते कि सर, ठीक है के दौरान पावर नहीं है कि किसी को, तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे दीजिए, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना एक्यूज, एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे सर, वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए, तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट खाली एक एक सिर्फ एक एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजूरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए। भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पुरवा सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं। हाँ सर, सर ट्रायल कोर्ट अपने कई आदेशों में ये व्यक्त कर चुका है कि इनको अनेकों बार दस्तावेज दिए जा चुके हैं, आपके समक्ष भी जब 14/7 को ऑर्डर हुआ था आपने डिटेल ऑर्डर पास किया था, और चूंकि आपने निर्दिष्ट किया गया कि एक बार पुनः इनके आग्रह पे जो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश हुआ है, जो ट्रायल कोर्ट में 161 के बयान पेश हुए, जो ट्रायल कोर्ट में 164 के बयान पेश हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट किए गए आपके निर्देश के अनुसार,
दिनांक 20/7 को यहाँ ओपन कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए। सर माई हम्बल रिक्वेस्ट की इस पिटीशन में नथिंग रिमेनेड, जो ऑर्डर शीट है 14/7 की और 20/7 की है, उसके बाद में इस पिटीशन में कुछ नहीं बचता है। अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिसमें FIR में जिसमें मेरा नाम हो, तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्वेरी की है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है और उनके ऊपर चार्ज लगाया है। चार्ज के अगेंस्ट सर ये दो बार पिटीशन में आ गए हैं, MCRC में आ गए हैं, दो बार 482 में क्वेश्चनमेंट ऑफ FIR में आ गए, सारी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, उसके अगेंस्ट SLP में चले गए, लगभग 8 पिटीशन SLP में इनकी वहाँ पे उसका निराकरण हो चुका है। उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि ट्रायल जल्दी चलाया जाए, ट्रायल चलाने की जब भी पोजीशन मिलती है सर, सारे ऑर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड पे है, हर ट्रायल पे ये नई एप्लीकेशन 207 की एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दस्तावेज दिए जाए तब ट्रायल किया जाए मैंने, और ऐसी एब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग है सर। ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो एक मौकरी उड़ाई जा रही है सर। FIR की MCRC रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है, और उसके अगर 100% अपेक्स कोर्ट में खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद दो एप्लीकेशन लेकर आ गए, एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से अभी भी इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, IO को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें, उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी, प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से चली जाएगी सर। जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है, इनके लिए स्पेशल है क्या? FIR का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम रहेगा तो ही जाएगा सर? ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में हर वो सर, अभी सर मेरी सुनिए सर, पेज नंबर ECIA नंबर 5532 में पेज नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें पैरा 3 में ऑनरेबल जस्टिस साहब ने बोला हुआ है सर, सूर्यकांत साहब ने, हाउवर पेज नंबर 14 एनेक्सर ए आई ए नंबर 5532 सर, 5532 जिसमें कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सर ऑन 17th April 2023 सर, यस लेटेस्ट जजमेंट सर, हाउवर इफ द एप्लीकेंट पेटिशनर हैज फाइल्ड एनी केस बिफोर द हाई कोर्ट व्हिच इज पेंडिंग बिफोर इट, लर्न्ड हाई कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू डिसाइड द सेम एज पर इट्स ओन मेरिट without being influenced by the order passed by this court from time to time in the miscellaneous application made by the petitioner. Yes. इन्होंने पैरा 3 में ये बोला है सर, अभी इन्होंने जब बताया कि इतने सारे केसेस डिसमिस हो गए हैं सर, तो जबलपुर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अभी रेणुका कंचन, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज दीपक गुप्ता एंड स्पेशल जज मनोज कुमार तिवारी एंड रविंद्र सिंह पटेल, उनके ऊपर WP नंबर 19144 फाइल की गई है सर, जिसमें रजिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है रॉन्गली इंप्लीटेड, उसमें भी IA फाइल किया फॉर इग्नोरमी ऑफ डिफॉल्ट। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं, इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। अभी दो 482 डिसमिस हुई है, क्रिमिनल डिविजन डिसमिस हुई है सर, मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू सर। सर अभी इसका IA नंबर 5532 सुप्रीम कोर्ट जज जिसके खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर लिखिए पिटीशनर।